नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। ऐसी आदतें जो आपके घर से लक्ष्मी माता को दूर कर सकती हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, हमेशा सूर्य उदय से पहले ही उठें, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी विलास ना करें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ महिलाएं रात को लेट से सोती हैं और सूरज उगने के बाद ही उठती हैं, तो आप यह गलत कर रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जैसे आपके घर में माता लक्ष्मी का धन का वास नहीं हो पाता है और धन लक्ष्मी होते हुए भी आपके घर से धन आपके हाथ से निकल जाता है। नंबर दो, आप कभी भी विलास ना करें। अक्सर देखा जाता है हस्बैंड और वाइफ लव मेकिंग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का ही समय देखते हैं। अक्सर देखते हैं कि महिला और पुरुष हमेशा लव मेकिंग करते समय मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा मानते हैं, लेकिन यदि आप लव मेकिंग के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय देखते हैं तो ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। नंबर तीन, अपने से बड़ों के लिए अपशब्द या फिर क्रोध रूप से बातें बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, आदर सम्मान से ही बातें करें। यदि आप उनसे क्रोध होकर अपशब्द कहते हैं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर चार, यदि आपके घर मेहमान आते हैं, संत आते हैं या फिर कोई पंडित आते हैं, तो उनका आदर सम्मान जरूर होता है, उनका आदर सम्मान करें। अगर आप आदर सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें बिना घर से आदर सम्मान करे ही भेज देते हैं, ऐसा करने से भी आपके घर से धन का हानि होती है और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर पांच, अक्सर देखा जाता है कि कुछ महिलाएं या फिर पुरुष अगर कपड़े नहीं होते हैं तो वह वही वस्त्र यानी कि गंदे वस्त्र ही पहन लेते हैं और मैले वस्त्र पहनने से उनके घर में हमेशा गंदगी रहती है और वैसे लोग घर में धन लक्ष्मी की हानि करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से दूर रहती हैं जो लोग घर की साफ सफाई से दूर रहते हैं या फिर अपने घर पे या फिर अपने तन पर गंदे वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे कि आपके घर से धन लक्ष्मी की हानि हो सकती है। तो ये है वह कारण या फिर वह आदतें जिनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो आप इन कार्यों से दूर रहें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर से दूर ना जाए। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत देती हूँ।